गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये रहा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचें, इस क्वेश्चन को सोचने के दो तरीकों से मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, राइट। एक स्ट्रिंग मेथड नाम से क्लियर हो रहा है, रस्सी से बांध दिया, और एक गैप मेथड। दो तरीकों से हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और दोनों तरीके आपको समझने हैं, 100% समझने हैं। स्ट्रिंग मेथड, ब्लू एंड ग्रीन नेवर कम टुगेदर, ठीक है। एक काम करते हैं, हम ब्लू और ग्रीन को रस्सी से बांध देते हैं, टोटल तरीकों में से माइनस कर दिया, नॉट रिक्वायर्ड तरीके इज इक्वल टू रिक्वायर्ड तरीके है, है ना। टोटल तरीके कितने हैं, 7 कलर हैं, 7 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगे, टोटल तरीके हो गए। नॉट रिक्वायर्ड क्या है, जब ब्लू और ग्रीन को ब्लू और ग्रीन को दो की बजाय एक मान लिया तो 7 की बजाय 6 चीजें हो गई, लेकिन ब्लू और ग्रीन आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, ब्लू इधर ग्रीन इधर, या वाइस वर्सा। बोलो बोलो बोलो। यस सर, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज वन ऑफ द वे टू थिंक टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ आई बात? यस। अगली बात, गैप मेथड, नाम से क्लियर हो रहा है, गैप में डाल दें चीजों को। दोबारा बोलो, टू फैक्टोरियल इस बात का मेरे दोस्त, ब्लू इधर ग्रीन इधर, या ग्रीन इधर ब्लू इधर, ये दोनों अलग अलग तरीके हुए, हाँ या ना? यस। बढ़िया, अब मैंने क्या करा, ब्लू और ग्रीन मुझे एक साथ नहीं चाहिए, उसके अलावा कितने रंग हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 रंगों को 5 फैक्टोरियल वे में मैं जैसे मर्जी अरेंज करूं, कोई टेंशन नहीं। और इन 5 कलर्स के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 गैप आ रहे हैं। एन चीजों के बीच में सीधी लाइन पर रखेंगे तो n+1 गैप होंगे हमेशा। तो इन गैप्स में से कितने, 6 गैप्स में से कोई 2 गैप सेलेक्ट कर लूं और 2 गैप को आपस में 2 फैक्टोरियल वे में उनमें ब्लू और ग्रीन रख के ब्लू और ग्रीन को अरेंज कर दूं, तो ये भी आंसर है। दोबारा दोहरा रहा हूं, 5 चीजें हैं, इनको 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज किया, इनके बीच में 6 गैप हैं, 6 में से कोई 2 गैप सेलेक्ट करे और 2 फैक्टोरियल वे में ब्लू और ग्रीन को अरेंज कर दिया, तो ये कहें या ये कहें दोस्तों, दोनों का आंसर एक ही आएगा, यहां या यहां से आंसर विल बी सेम। अब इसे कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आई होप दैट कैन बी डन फ्रॉम ऑल ऑफ योर साइड्स। बोलो क्लियर है क्या? यस यस सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ, किसी बच्चे को कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो। सर स्ट्रिंग मेथड में एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना, हमने माइनस क्या किया है? मैंने वो घटाया जो मुझे नहीं चाहिए, जो अनफेवरेबल है। क्या अनफेवरेबल है? ब्लू ग्रीन को इकट्ठा कर देना, ब्लू ग्रीन को दोनों को एक रस्सी से बांध दिया तो 7 चीजों की बजाय 6 चीजें हो गई, ये मान लो, और ब्लू और ग्रीन भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो 6 चीजों को भी अरेंज कर दिया और 2 चीजों को भी अरेंज कर दिया, आपस में करा लेकिन उनको दोनों चीजों को केवल वो घटा दिया। नहीं समझ आई बात अभी भी? यू कैन सॉल्व दिस टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, व्हाटएवर। चलते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 6 न्यूली मैरिड कपल्स, 6 न्यूली मैरिड कपल्स आर एंजॉइंग अ बर्थडे पार्टी, they are enjoying a birthday party. चलो जी, ठीक है। In how many ways? In how many ways can 4 persons be selected if they do not form a couple? If they Do not form a couple. I am sure आप क्वेश्चन समझ गए। Yes. कपल नहीं बनना चाहिए, 4 persons को सेलेक्ट करना है
इस बात के कितने तरीके। थिंक एंड गिव एन आंसर। सिक्स न्यूली मैरिड कपल्स आर एंजॉइंग अ बर्थडे पार्टी इन हाउ मेनी वेज। फोर persons कैन बी सेलेक्टेड इफ दे डू नॉट फॉर्म अ कपल। सोचिए सर, डू नॉट फॉर्म अ कपल मतलब कि मैन थ्री वुमेन वन ऐसे? दोबारा बोलो सर, डू नॉट फॉर्म अ कपल का मतलब ये है कि मैन वन या वुमेन वन के साथ हो, मतलब दो कपल जो है। कैसी बात कर रहे हो, ये बात तो किसी को भी समझ में आ जाती है भाई। कपल नहीं बनना चाहिए, जो कपल था, कपल तो एक एक बंदे की एक ही बीवी है वहां, वो नहीं आने चाहिए, उसके अलावा कुछ ही आए। चाहे चार मेन भी आ सकते हैं या दो मेन और दो विमेन भी सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो कपल ना बन रहे हैं। ऑफिशियल कपल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई साहब? यस बताएं सर। 6c4 × 4 × 4 बोलो 6c4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 भाई साहब हमें समझाएंगे, थोड़ा मैथ कमजोर है हमारा, बताएंगे सर। पहले जो सिक्स मेंस हैं जी, उसको हमने चार में मैंने वो ले लिया, मतलब सिलेक्ट कर लिया 64 से। छह में से चार अगर आपने मेन सेलेक्ट कर लिए, बात ही खत्म होगी, फिर औरों की जरूरत कहाँ रहेगी। अच्छा सॉरी, फोर पर्सन है तो 62 करके इंटू टू फैक्टोरियल, 4c2 × 2 × 2। ये टू फैक्टोरियल भाई साहब किस बात का आया? जो दो वो आपस में उनको अरेंज करने के लिए। किसने कहा अरेंज करने की जरूरत है, क्यों करेंगे अरेंज? अच्छा, सॉरी सिलेक्टेड है हाँ, ये तो अरेंज करने की रिक्वायर्ड ही नहीं है। 6c2 × 4c2। अब अगर तुम आंसर 6c2 × 4c2 देते हो, ये भी गलत है। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? चार लोगों में से दो मैन और दो वुमेन होंगी। कौन कह रहा है कि चारों मैन नहीं हो सकते? कौन कह रहा है कि चारों वुमेन नहीं हो सकती? कौन कह रहा है तीन मैन और एक वुमेन नहीं हो सकती? कितने सारे केसेस हो गए सर? टू टाइम्स ऑफ 6c4। दोबारा बोलो। टू टाइम्स ऑफ 6c4 प्लस टू टाइम्स ऑफ 6c1 × 5c3 प्लस टू टाइम्स ऑफ 6c1 × 4c3। अच्छा जी, प्लस 6c2 × 4c2। हमें समझाने का थोड़ा प्रयास करेंगे सर आप? सर हमें कपल नहीं बनवाना ना, तो मतलब एक 64 हमारा इसीलिए हुआ बिकॉज फोर हमने सिक्स लेडीज में से हमने फोर लेडीज सिलेक्ट, फोर मेन और फोर वुमेन हो गया, ऐसा मान लिया राइट? यस सर। चलो जी मान लिया, अब बताओ आगे। एंड सर इसमें जो 6c1 × 4c3 में हमने पहला लिया कि सिक्स में से वन हमने वुमेन ले ली, वन वुमेन एंड थ्री मैन। सर जब हमें सिलेक्ट करने हैं तो कपल फॉर्म नहीं होना चाहिए ना, तो जो उनके हस्बैंड्स हैं उन्हें हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो रुक तो मैं यही परी, एक मिनट मैं यही रोक रहा हूँ। छह में से एक वुमेन सिलेक्ट हुई तो उसका तो एक ही पति है, उसको छोड़ दो, उसके अलावा तो पांच हस्बैंड तो बच गए ना। यस सर, पांच में से तीन लोग सिलेक्ट हो सकते थे। यस सर, यहाँ 5c3 करा हमने। यस सर, तो इंटू टू किस बात का करा सर? ये ऐसे में एक मैन सिलेक्ट करा एंड तीन वुमेन सिलेक्ट करें। अच्छा जी, ओके। एंड देन हमने दो वुमेन सिलेक्ट करी एंड दो मैन सिलेक्ट करें। दो वुमेन कर ली, दो मैन कर ली, तो ठीक है। मतलब इस बात को 6c पर एक बात हो गई ना, यहां पर ये बात गलती हो गई क्या? अब देखो इस बात को ऐसे सुनो, मैं आपकी भाषा में लिखता हूं। फोर मेन सेलेक्ट होने या फोर वुमेन होनी है या वन मेन थ्री वुमेन या टू मेन टू वुमेन या थ्री मेन
वन वुमेन, यही तो कह रहे हो आप? यस सर। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसका मतलब हुआ कितने कपल हैं, छह, तो छह में से चार सेलेक्ट हो गए यहाँ पर, यहाँ से भी छह में से चार सेलेक्ट हो गए, यहाँ पर छह मेन में से एक मेन सेलेक्ट हो गया, बच गए उस मेन के कोरिस्पोंडिंग जो बीवी है वो नहीं लेनी है, बच गई फाइव विमेन, तो इन पांच में से तीन वुमेन सेलेक्ट हो गए, राइट? यस सर। और छह में से दो मेन सेलेक्ट हो गए, उनके कोरिस्पोंडिंग दो वाइफ्स हटा दो, बच गई चार, उन चार में से दो सेलेक्ट हो गए, सही? या फिर यहाँ पर सिक्स सी थ्री मेन सेलेक्ट होंगे यार, छह में से तीन मेन चाहिए आपको, उन तीन के कोरिस्पोंडिंग तीन वाइफ्स हटा दो, तीन वाइफ्स बची, उनमें से एक वाइफ चाहिए आपको, ऐसा लिखोगे ना? समझ आई मेरी बात? गेटिंग माय पॉइंट रितेश? यस सर, समझ गया सर। है ना, गलती मिल गई अपनी? यस सर, मिल गई सर। ठीक है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया मेरे से पूछो यहाँ तक? सर नहीं आया। क्या नहीं आया समर्थ, मुझे बताओ दोबारा। सर इसमें जैसे पहले तो इसने कहा कि हमने छह मेन सिलेक्ट, चार हमने सॉरी केसेस बना के हमने तोड़ दिया कि पहले चार मेन का कर लिया, समझ आ गया ये? हाँ या ना? ये समझ आ गया पहला केस, सेकंड केस भी समझ आ गया। समझ आ गया? हाँ जी, सेकंड में थर्ड भी समझ आ गया, ये भी आ गया, दो मेन और दो वुमेन समझ में आ गए, जो आप कह रहे थे वही केस तो हुआ ही। हाँ जी, ये भी आ गया। लेकिन अब तीन मेन और एक वुमेन में छह में से तीन हस्बैंड सेलेक्ट हो गए, उन तीन हस्बैंड की एक एक वाइफ हर एक के, तो तीन वाइफ हटा दो, तो छह वाइफ में से तीन बच गई, तीन हट गई क्योंकि उनमें से एक वाइफ चाहिए, खत्म बात। समझ आई? बोलो 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 बोलो। सर जो थर्ड और फिफ्थ केस है इसमें एक बार आप कंफ्यूजन बताना, मतलब क्या डिफरेंस आ रहा है? जैसे उसमें थ्री मेन था, यहाँ पे हमने 63 किया, वहां पे हमने 61 छह मैन, पहले छह मैन में से एक मैन सेलेक्ट किया, एक मैन की एक वाइफ थी उसको हटा दिया, बच गई पांच बीवियां, उनमें से तीन वाइफ सेलेक्ट कर ली। हाँ जी। और यहाँ पर छह में से तीन हस्बैंड सेलेक्ट कर लिए, उनकी तीनों वाइफ हटा दी, तीन वाइफ बची, उनमें से एक वाइफ चाहिए थी, ले ली। ठीक है सर, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर, यस यस सर। लेकिन मेरे यारो ये सोच करके देखो, इस क्वेश्चन में तो मैंने केवल छह मैरिड कपल लिया, अगर मैं 60 मैरिड कपल ले लेता और चार के बजाय 40% सेलेक्ट करने के लिए बोल देता आपको, क्या आप ऐसे केस बनाते? दिमाग खराब हो जाता कि नहीं होता? टोटल वैसे माइनस करके करें? बिल्कुल नहीं यार, टोटल में से भी जो माइनस करोगे तो वो भी तो बहुत सारे केसेस हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो इस क्वेश्चन का एक बड़ा ही अलग सा तरीका बना देता हूं मैं, क्या सुनो ध्यान से, हमने हर मैरिड कपल को जूतों की जोड़ी मान लिया, मान लें क्या? यस सर। जूतों की जोड़ी मान लो या कपल ही मान लो, तुम क्या फर्क पड़ रहा है? कितने कपल हैं? छह। लोग कितने चाहिए? चार। क्या नहीं बनना चाहिए? कपल। तो भैया एक काम करो, इन छह में से चार कपल को उठा लो, चार बॉक्सेस उठा लिए, ये पहला कपल, ये दूसरा कपल, ये तीसरा कपल, चौथा कपल उठा लिया, मान लो उठ गए। यस यस। अब पहला जो कपल है उसमें कितने लोग हैं? दो, एक हस्बैंड एक वाइफ। यस भैया, उन दो में से किसी एक को उठा लिया, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे हाथ में बीवी है, बीवी को उठा लिया, तुम्हारे हाथ में हस्बैंड आया, हस्बैंड को उठा लिया, क्या फर्क पड़ रहा है? और एक को उठाया और एक को फेंक दिया, बोलो सही है क्या बात? यस सर। ऐसा ही काम अगले कपल के साथ किया, ऐसा ही काम अगले कपल के साथ किया, ऐसा ही काम अगले कपल के साथ किया, आंसर आ गया, खत्म बात। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। अब जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो जाए, अब मान लो छह के बजाय 60 कपल थे, 40 लोग सेलेक्ट करने थे, 60C40 इंटू 2C1 की पावर 40, खत्म, आंसर आ गया, वर्बली आंसर दे दिया अपने ने। बोलो बोलो बोलो, समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर, आ गया। पक्का? यस सर। किसी को कंफ्यूजन नहीं? नो सर, नो सर। श्योर? श्योर। यस।
यस सर। सर एक बार बताना है 2C1 कैसा है। मेरे यार छह बॉक्सेस में से चार बॉक्स उठाए, हर बॉक्स में दो कपल, दो बंदे, एक एक हस्बैंड एक वाइफ अवेलेबल है। उस बॉक्स को खोला, उसमें से किसी एक को उठा लिया, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा इसके साथ, ऐसे इसके साथ, ऐसे इसके साथ करा, हर बॉक्स में ऐसा कर दिया, एक एक उठाया बंदा या बंदी और दूसरे को गिरा दिया। बोलो समझ गया सर, समझ गया पक्का। हाँ जी सर, दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन के बेस पे और क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। आज की क्लास में यहीं तक ही पढ़ेंगे हम।